हाँ दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। भाई एक हफ्ते पहले मैं ये वीडियो लेके आया था, इस लाइट की मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह और फीचर्स वगैरह। फिर कुछ लोगों ने कहा यार ये किचन लाइट भी आती है और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, और ये काफ़ी सस्ती आ जाती है 150-200 रुपये में। ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी उनको 800 रुपये में। तो फिर मैंने इसकी टेस्टिंग करते हैं, पूरी बैकअप वगैरह पूरा क्वालिटी का चेक करते हैं और फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। तो एक हफ्ता इनकी टेस्टिंग करिए, कंपैरिजन अब मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये लाइट मिल जाती है आपको, ये देखो पहले तो सिमिलैरिटीज, दोनों में कैराबिनर मिल जाता है, मतलब दोनों बेसिकली किचन लाइट्स हैं आपकी। मैग्नेट मिल जाता है, आप कहीं भी लगा के इजिली वर्क लाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही USB-C से चार्ज होती हैं, ठीक है। इसमें भी USB-C दे रखा है, इसमें भी USB-C दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। ये लाइट में मिलते हैं आपको तीन मोड, पहला ये हाई ब्राइटनेस, दूसरा लो ब्राइटनेस फ्लिकर। अब ये हाई पे चलती है 50 मिनट बस, और उसमें भी ये 3-4 मिनट चल के ना इसका स्टेप डाउन हो जाएगा, बैटरी गिर जाएगी एकदम से। लो पे चलती है 1 घंटा 10 मिनट, इसमें भी 5-10 मिनट के बाद इसका स्टेप डाउन हो जाएगा क्योंकि ये हीट हो जाती है और फिर इसमें ब्राइटनेस गिर जाती है इसकी। लिकर रख दिया, बस इतना ही है। वाटर प्रूफ नहीं है ये, ठीक है, पानी में लगेगा, बारिश में लगेगा तो खराब हो जाएगी इसकी। इसका मुद्दा यहाँ खत्म हो चुका है। अब आती है ये लाइट। ये सबसे पहले तो ये सिर्फ USB-C से चार्ज, और इसमें आपको सोलर भी मिल गया, ठीक है। तो ये चलेगी 50 मिनट, एक तो चलेगी 50 मिनट, उसके बाद मान लो आप कैंपिंग कर रहे हो 2 दिन 3 दिन की राइड है, ठीक है, और ये चली एक बार ख़त्म हो गई, आप चार्जर वगैरह नहीं लेके गए हो, या आपके पास इतना नहीं है कि आप इस पे खर्च कर सको अपना पावर जो भी है रिजर्व में, तो ये एक बार चार्ज हो गई ख़त्म। इसमें आपको सोलर मिलता है, आप इसको बैग पे लटका लो, जीन्स में, साइड में कहीं भी लटका लो, बेल्ट में लटका लो, ये अपने पूरे दिन में चार्ज हो जाती है। इसको चेक करा, सुबह मैंने लगा दिया 8 बजे और शाम को 6 बजे तक ये पूरी चार्ज हो चुकी थी, ठीक है। विद इन इसका 80%, 85% बैकअप दिया है इसने, जो USB से चार्ज करते हैं उसके कंपैरिजन में एक दिन का। अब इसमें तीन मोड थे, इसमें आ जाते हैं। पहला मोड तो एक ये रेंज बीम मिल जाती है आपको, ठीक है, पैनी बीम, बिल्कुल रेंज वाली, 20-25 मीटर तक इजिली आपका दिखाई देगा सब। ये चलती है 1 घंटा 40 मिनट। इसका दूसरा मोड लो पे, ये चलता है 2 घंटा 30 मिनट। उसके बाद आ जाती है COB, जो कि मेन कंपैरिजन है इन दोनों का। ये चलते हैं 2 घंटा हाई पे, 3 घंटा 20 मिनट लो मोड पे। देखो कितना अंतर है, ये चली 50 मिनट, ये 2 घंटे, ये चली 1 घंटा 10 मिनट, ये चली 3 घंटा 10, 3 घंटा 20 मिनट, ऑलमोस्ट डबल का बैकअप है इसका। दूसरा इसमें स्टेप डाउन नहीं है, जो ब्राइटनेस अभी है उतनी ही ब्राइटनेस रहेगी, स्टेप डाउन नहीं होएगा इसकी ब्राइटनेस में। उसके बाद आ जाते हैं अगला, चार तो लाइट हो गई, इसमें तो तीन मोड थे शुरू होते ही खत्म हो गए, इसमें चार मोड हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आते हैं पांचवा मोड, ग्रीन लाइट। ये बैकअप देता है 6 घंटे का। अब इसका क्या यूज रहेगा ग्रीन लाइट का, भैया आप ये इजिली अपने टेंट में लगा सकते हो नाइट लाइट के तौर पर, मक्खी मच्छर भी इससे काफी कम अट्रैक्ट होंगे व्हाइट लाइट के कंपैरिजन में। दूसरा आपका नाइट विजन भी इसमें काफी अच्छा रहता है, आप व्हाइट लाइट सफेद टॉर्च से कुछ पढ़ोगे, कंपास देखोगे, मैप देखोगे, या कुछ पढ़ोगे कागज पे, तो आप फिर चारों तरफ अंधेरे में देखोगे तो आपका नाइट विजन खराब हो जाएगा। ग्रीन लाइट में नाइट विजन ठीक रहता है, वो खराब नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आता है छठा मोड यूवी। आप यूवी भी इजिली कुछ कागज वगैरह चेक करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने में यूज कर सकते हो। इसका कोई बैकअप नहीं लिया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आप कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है, फिर भी यूवी आपके पास हाथों में एक फीचर है, एक एक्स्ट्रा फीचर, कोई नुकसान नहीं है वो ना कभी काम आ सकता है। उसके बाद रेड लाइट, ये चलती है भाई 18 घंटे, ठीक है, मैं भी दंग रह गया इसका बैकअप देख के, 18 घंटे का थोड़ा डिफरेंस है, 18 में से 12 घंटे ये चलेगी पूरी ब्राइटनेस पे चली, एज अ टेंट लाइट आप यूज कर सकते हो 12 घंटे तक। उसके बाद 12 से 18 इसकी ब्राइटनेस काफी गिर गई, आप सिर्फ ऐसे क्लोज में ना कागज वगैरह पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, इतनी ही ब्राइटनेस बचती है। फिर
फिर भी 18 घंटे काफी बड़ा बैकअप है ये छोटी सी चीज के लिए। रेड लाइट का भी वही हिसाब है, आपका नाइट विजन बिल्कुल खराब नहीं होगा, ग्रीन से ज्यादा एफिशिएंट होती है नाइट विजन आपका बचाने में। ठीक है, एनिमल्स वगैरह डिस्टर्ब नहीं होंगे आपके चारों तरफ के, मक्खी मच्छर इस पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रेड लाइट पे और आपका नाइट विजन बना रहता है। उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड ब्लिंकर। आप राइडिंग करते हो साइकिल के पीछे लटका सकते हो और हेलमेट के पीछे लटका सकते हो, सिग्नलिंग में काफी हेल्पफुल है। उसके बाद आता है ये रेड एंड ब्लू ब्लिंकर, ये भी आपका सिग्नलिंग में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये भी आप कहीं हेल्प चाहिए आपको, कहीं फंस गए हो तो कहीं भी लटका दो और चारों तरफ ही दिख जाएगा, हेल्प आपको इजीली देख सकते हैं लोग। अब ये वाटरप्रूफिंग, ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटरप्रूफ है और ये भाई इसकी टेस्ट है। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप ये खरीद रहे हो तो मैं पूरा ऑनेस्टी के साथ शेयर करता हूँ मैंने क्या करा। भाई इस पे लिखा हुआ IPX4 वाटरप्रूफ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, खुद से एक फैब्रिक खरीदी 5 रुपए की और इसके सारे जॉइंट्स पे गिरा दिए। आप ये देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको फैब्रिक का दाग धब्बा। तो वैसे तो वाटर रेजिस्टेंट है ही, फिर भी इसमें फैब्रिक भर गई सारी तरफ तो ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो गई। ये लो आपके लिए टेस्टिंग। ठीक है, ये एक दिन पड़ी रही थी, इसमें रेड लाइट मैंने इसी में चेक करी, रेड लाइट ऑन करी और गेर दी इसमें पानी में। फिर जब इसकी चार्जिंग खत्म हुई ना, जब ये निकाली, ठीक है, और उसके बाद भी इसमें कोई बुलबुला नहीं, कोई बबल नहीं, कोई पानी का ड्रॉप नहीं, पूरी वाटरप्रूफ चीज है। ठीक है, तो गाइस ये है मेरी किचन लाइट। पहले तो ये EDC काफी अच्छी लगी थी, बट जब से इसको देखा दंग रह गए हैं और ये तो मतलब पानी से बाहर ही कर दिया है इसने कंपटीशन। आपको अच्छी लगे, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बैकअप इसका गजब है। कहाँ 18 18 घंटे का बैकअप दे रही है, नॉर्मल लाइट में भी आपको 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे का बैकअप इसमें मिल रहा है, जबकि ये तो 1 घंटा मुश्किल से क्रॉस करती है। तो मेरे को काफी अच्छी लगी है। ठीक है, और आपको भी अच्छी लगी, परचेज करनी हो तो नीचे लिंक दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं इजीली। और मेरी तरह खुराफाती हैं तो भाई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। ये देखो, ये मैंने मॉडिफिकेशन करी और ये मैंने इसको ऐसे करके इसका हेडलैम्प भी बना लिया। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है इसको, आप इसको हेडलैम्प के तौर पे ऐसे यूज कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, इसमें कहाँ लगाओगे प्लास्टिक। ठीक है, तो ये एक और फीचर हो गया, 9 फीचर तो कंपनी दे रही है, 10वां फीचर हमने बना लिया। काफी अच्छे आइटम है। ठीक है, अच्छी लगी तो परचेज करना और नीचे लिंक से परचेज करना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।